नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अक्षिता कॉटन की। जी हाँ, काफ़ी टाइम बाद मैं इस पे वीडियो लेके आ रहा हूँ और ये अच्छे खासे लेवल पे जाके और काफ़ी टाइम से अभी कंसोलिडेशन वाले फेज़ में लगा हुआ है। तो क्या कुछ न्यूज़ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और भी उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे और लास्ट में हम लोग चार्ट भी देखेंगे कि क्या संभावनाएँ बनती हैं। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस, प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस कर बैठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल गाइस, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से एग्जैक्टली सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि बच के रहिए, नहीं तो आप अपनी कैपिटल को गंवा बैठेंगे और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह मैं डालता रहता हूँ और अपने वीडियोज़ के लिंक वगैरह शेयर करता रहता हूँ। बहुत सारे पेन स्टॉक्स मैं एनालिसिस करता रहता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और यहाँ पर कल जो भारत ने जिस तरीके से जीत दर्ज की है, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसके लिए संपूर्ण भारत को बहुत बहुत बधाई और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, 29 जून का अपडेट है और यहाँ पर बीएससी और एनएससी दोनों को इन्फॉर्म किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं केपीआर स्पोर्ट्स एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर इसको एक्वायर किया है। लगभग 55% का स्टेक एक्वायर किया है इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं केपीआर, ये लिखा है ना, केपीआर विल बिकम अ सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट नहीं कर दिया है, मात्र 55,000 रुपये का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी फॉर एन अमाउंट एग्रीगेटिंग टू रुपीज़ 55,000 रुपये। तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन हाँ, एक सब्सिडियरी जो है कंपनी ने फॉर्म करी है और यहाँ पर उसी से रिलेटेड बाकी सारी डिटेल है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल अच्छी चीज़ यह है कि अभी ये किसी भी ग्रुप में नहीं है, यानी कि ना ASM है, ना GSM में है और ना ही ESM में है। तो क्या ESM का खतरा मंडरा रहा है, मार्केट कैप 500 करोड़ से कम है कि नहीं, ये हम अभी आगे देखेंगे। फिलहाल 21.10 रुपये पे क्लोजिंग दी है। वहीं हम लोग बात करेंगे अपर प्राइस बैंड और लोअर प्राइस बैंड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20-20% का यहाँ पर अपर प्राइस बैंड और लोअर प्राइस बैंड है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मार्केट कैप देखिए एकदम वर्ज पे है, 553 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ पर मान के चलिए 500 करोड़ से नीचे अगर मार्केट कैप आया तो यहाँ पर फिर ESM का खतरा मंडराने लगेगा फिलहाल। और ESM का खतरा तब मंडराएगा जब ऑपरेटर फिलहाल दोबारा से एक्टिव होंगे। अभी एक्टिव हैं कि नहीं, ये हम अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर मार्केट का कैप की बात हमने कर ली है। स्टॉक का पी आप देख पा रहे हैं 27 और इंडस्ट्री का पी आपको 31 देखने को मिला, तो इसके हिसाब से आपको सस्ता देखने को मिला। आर ओ सी देखिए बढ़िया आपको देखने को मिला, ज़बरदस्त 37.9। आर ओ ई की बात करेंगे तो 34.8 देखने को मिला, बढ़िया बढ़िया के बेहतरीन कह सकते हैं इसको। प्रमोटर होल्डिंग में देखिए ज़बरदस्त है, 62.8%। और प्लेज परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। डेट की भी बात करेंगे तो एकदम मात्र ना के बराबर है डेट, जो कि डेट टू इक्विटी बनाता है 0.39। तो यहाँ पर आप इसको डेट फ्री कंसीडर एक तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 19 रुपये का लो लगाता है और 35 रुपये का हाई लगाता है। और यहाँ पर आप देखिए, आप करंट प्राइस की बात करेंगे तो 21.20 रुपये के आसपास चल रहा है, तो अपने लोज के आसपास एकदम चल रहा है। स्प्लिट हो चुका है गाइस, अच्छा खासा इसको पंप एंड डंप किया गया था, फेक न्यूज़ फैलाई गई थी। मतलब फेक न्यूज़ क्या, मतलब व्हाट्सएप पे क्या भैया भागने वाला है, नए टारगेट ये हैं, एकदम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारे लोग इसमें फंसे थे। मैं काफ़ी टाइम से इसको कवर कर रहा हूँ, इस बार अभी काफ़ी टाइम बाद में वीडियो लेके आ रहा हूँ इसको, क्योंकि कोई अभी ऐसा बहुत बड़ा अपडेट नहीं था। ऐसा होता है तो मैं ज़रूर लेके आता हूँ आपके लिए। फिलहाल बुक वैल्यू देख पा रहे हैं 2.48 रुपये, तो वहाँ के हिसाब से आपको महंगा दिख रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको 20.70 रुपये के आसपास दिख रहा है, बिल्कुल अपनी जो रियल वैल्यू है इसकी उसी के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली नंबर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर सेल्स आप देख सकते हैं मार्च वाले में 122 करोड़ आई थी, जो कि अभी 221 करोड़ है मार्च 2024 में। तो पिछले साल से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। सेल्स की बात करेंगे 265 करोड़, मतलब लास्ट क्वार्टर में, तो वहाँ से आपको 221 करोड़ आई है, तो वहाँ से आपको गिरावट देखने को मिल रही है। मार्जिन की बात करेंगे तो यहाँ पर 6, 3, 1, 1 और 3, तो मार्जिन में आपको भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 5.60 करोड़ था, तो वहाँ से घट के आया 4.95 करोड़, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 3.13 करोड़ से 4.95 करोड़ यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रमोटर साहब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे अपनी होल्डिंग तो ये कम करते जा रहे हैं, 69 से 64, 64 से 62.77% आ गए मार्च वाले क्वार्टर में। FIIs की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए अच्छे खासे थे, और यहाँ से देखिए सीधा जून में, जून 2023 में ख़त्म, यहाँ पर फिर बढ़े, फिर उसके बाद 0.46 और 0.47 के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक का मामला देखिए धीरे धीरे बढ़ता हुआ है, तो 36.76 के आसपास अभी पब्लिक है, बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं है, लेकिन हाँ मंथ में हमेशा आपको बताता हूँ बहुत ज़्यादा जहाँ पब्लिक वहाँ रिस्की, तो यहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं है फिलहाल, ठीक है। और नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 99,118 और धीरे धीरे 128,135 मार्च वाली शेयर होल्डिंग में, बाकी अभी ताज़ा अपडेट नहीं हुआ है। लास्ट टाइम जो उसमें ऑपरेटर देखे गए थे वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जनवरी 2024 के आसपास देखे गए थे, ठीक है। उसके बाद उससे पहले दिसंबर 2023 में, और काफ़ी टाइम यहाँ पर खूब सारे एक्टिव रहे हैं, और यहाँ पर इन्हीं सारे लोगों ने बहुत सारे खेल किए हैं यहाँ पर, और किस तरीके से ऊपर ले गए थे, कितने लोग फंसे हुए थे,
जो लोग फंसे हुए थे वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, शेयर से नफरत हो गई होगी उनको। हाँ, हालांकि जिसने प्रॉफिट बनाया होगा, प्रॉफिट तो मुझे नहीं लगता शायद किसी ने बनाया, क्योंकि जब 80-86 रुपये तक गया था वहाँ से लोअर सर्किट लगना जब शुरू हुआ था तो फिर सीधा आके मेरे ख्याल से 40 के नीचे ही रुका था आके, और फिर उसके बाद 25 से 35 के बीच में काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया था। यहाँ पर रिटर्न की बात करेंगे, टू डेट -1 वीक -1 मंथ -3 महीने में 1% के रिटर्न, 6 महीने में 17%, -1 साल में 8.39% के रिटर्न है, 2 साल में 33% के रिटर्न अभी भी दे रखे हैं। वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 मंथ का एवरेज 17 लाख है, 1 वीक का एवरेज 10 लाख है, डे बिफोर यस्टरडे यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उससे पहले वाले में यानी कि बृहस्पतिवार की बात करें तो 10 लाख का यहाँ पर इतने वॉल्यूम जनरेट किया था, और शुक्रवार को आपको 10 लाख का देखने को मिल रहा है। वहीं आप लोग बात करेंगे डिलीवरी परसेंटेज की, तो यहाँ पर 44, 42, 42, 41, तो वही 40 से 45% के बीच में आपको डिलीवरी परसेंट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं चार्ट की, तो ये वो गिरावट थी, उसके बाद आप देखिए अच्छा खासा टाइम कंसोलिडेट, फिर ऊपर गया था, थोड़ा सा मूवमेंट आया था, लेकिन उसके बाद फिर गिरावट और फिर यहीं कंसोलिडेट कर रहा है। अपने तीनों EMAs के नीचे चल रहा है, आप एक देख पा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से एक ये टेंशन वाली फिलहाल बात है। और 20 रुपये का जो लेवल है ना, ये देखिए अब 20 रुपये के आसपास ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ पर 20 रुपये से अगर आपको गिरावट देखने को मिली, 20 रुपये का लेवल टूटता है, तो फिर आपको हो सकता है 15 रुपये और इवन 12 रुपये के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, जिसकी संभावना मुझे थोड़ी सी कम दिखती है। देखिए गाइस, ये मेरे पर्सनल व्यूज होते हैं, साफ साफ बोलता हूँ, गलत होने का अधिकार मैं रखता हूँ, ठीक है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। देखिए इस तरीके के स्टॉक जो होते हैं पैनी स्टॉक हैं, किसी ना किसी रीज़न से रहते हैं, नो डाउट फंडामेंटल्स इसके ठीक है, आपने देखा थोड़ी सी झलकियाँ मैंने दिखाई, बाकी इस पर मैं कंप्लीट एनालिसिस भी कर चुका हूँ, काफ़ी बार कर चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा तो पुराने वीडियो देखिए, और लेटेस्ट अगर चाहते हैं एनालिसिस तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपके लिए लेटेस्ट कंप्लीट एनालिसिस ले आऊँगा, जहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। RSI की बात करेंगे तो आपको 41.75 देखने को मिला, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं दिख रहा है देखने को मिला, फिलहाल बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं है। तो गाइस ये जिस लेवल पे अगर आप चाहें उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ उतनी ही क्वांटिटी, जितना खो जाए डूब जाए तो टेंशन ना हो, हमेशा मैं बोलता हूँ मैं, क्योंकि देखिए जो रिटेलर्स होते हैं पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा फंसते हैं, और मैं आप सबके लिए वही सारी चीज़ें लेके आता हूँ क्यों, ताकि आप लोग फंसे ना। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हमारे चैनल का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि बचेगा पैसा तभी तो बनेगा ना, तो पैसा बचाना सीख जाएंगे तो बनाना तो सीख ही जाएंगे फिर, है ना। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।